नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आज की ताज़ा खबर, प्रयागराज में नाजायत अस्पताल का 48वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नाजायत अस्पताल के निदेशक रे फादर विपिन डिसूजा एवं नाजायत अस्पताल के प्रशासक रे फादर इसिडोर डिसूजा की निजी देख रेख में संपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल एवं विशेष अतिथि रेव फादर रेजिनाल डिसूजा विकार जनरल इलाहाबाद रोमन कैथोलिक सोसाइटी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेव डॉक्टर लुइस मास्करेनस इलाहाबाद रोमन कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष और अध्यक्ष नाजायत अस्पताल सोसाइटी की गरिमाए उपस्थिति में इस समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल के निदेशक रे फादर विपिन डिसूजा निदेशक नाजायत अस्पताल द्वारा मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रार्थना नृत्य से हुई। तदुपरांत उपस्थित मुख्य अतिथि और विशेष अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। नाजायत नर्सिंग स्कूल की छात्राएं एवं नाजायत अस्पताल नर्सिंग स्टाफ के द्वारा अनेक नृत्य एवं नाटक प्रस्तुत किए। प्रथम प्रस्तुति चंद्रयान 3 पर आधारित हुई। नाजायत अस्पताल सोसाइटी की दिव्य ज्योति स्कूल की दृष्टिहीन छात्राओं के राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति की जो कि अद्वितीय थी, जिसे देखकर सभी उपस्थित दर्शक मनमोहित एवं रोमांचित हो उठे। नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने डॉक्टर्स के त्याग पर आधारित एवं लगान पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर सभी लोगों को रोमांचित कर दिया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अपनी आशीष वचनों से नाजायत अस्पताल परिवार के सभी सदस्यगण की समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इसी सेवा भाव के लिए नाजायत अस्पताल को जनता का भरोसा एवं विश्वास प्राप्त है और आने वाले वर्षों में कड़ी मेहनत से अपनी कार्यप्रणाली में बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित सहित किया। नाजायत अस्पताल की पहचान उसके परोपकारी कुशल और समर्पित कार्यप्रणाली एवं मरीजों की उच्च स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए प्रख्यात है, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के जनपदों में भी। अच्छा, आज हम लोगों ने नाजायत हॉस्पिटल डे मनाया है। ये फाउंडेशन डे है, 49th फाउंडेशन डे, यानी 48 ईयर्स हम लोगों ने संपन्न किया है और 48 साल हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, मानवता की सेवा की है और इसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सभी डॉक्टर्स नर्सेस एंड सभी क्लास फॉर एम्प्लॉयज एवरीबडी डोमेस्टिक स्टाफ सब लोग एक साथ मिलकर ये खुशी मनाने के लिए हम लोग आए हैं। मुख्य अतिथि में कौन थे? मुख्य अतिथि में हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल अलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज जज हैं और उन्होंने हमारी इनविटेशन को उन्होंने स्वीकारा और हमारे बीच में आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर संदेश उन्होंने दिया और हम सभी के लिए एडवाइस भी दिया, उनके लिए हम थैंक्स कहते हैं। देशवासी की क्या शुभकामना देना चाहते हैं कि आप यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है तो देशवासियों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे। हम पूरा देश एक हैं, यहाँ पर शांति की बहाल होना चाहिए। हम एक साथ शांति में जिएंगे और एक साथ कार्य करेंगे, हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। और जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, और हम लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, सचमुच में हम लोग प्रगति को छुएंगे और इस देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। मैं फादर विपिन डिसोजा, डायरेक्टर नाजायत हॉस्पिटल।